हेलो, मैं हूँ प्रियांशु सिंह और हमारे चैनल हिंदुस्तानी 360 में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट ग्राफिक एंड्रॉयड गेम्स के बारे में, जो मैंने पर्सनली खेला हुआ है। मैंने सारे एंड्रॉयड गेम्स लगभग खेल चुका हूँ जो बेस्ट ग्राफिक्स और एक्शन है, तो उनसे मैं कुछ पिक किया हूँ 12-13, तो आज मैं वो आपसे बताने की कोशिश करता हूँ। शायद आपको भी वो काफी पसंद है। तो पहले नंबर पर है मेरे हिसाब से ब्रदर्स द टेल ऑफ टू सन्स, बट वो एक स्ट्रेटेजिक गेम है। कुछ लोगों को पसंद आ सकता है, कुछ लोगों को नहीं आ सकता है, बट अगर आप खेलते हैं, अगर आप कंप्यूटर में प्रिंस ऑफ पर्सिया वगैरह ऐसे गेम खेले हैं तो आपको वो पसंद आएगा। काफी अच्छा गेम है, ग्राफिक्स काफी बेहतरीन है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे आता है WWE 2K। ठीक है, इसकी ग्राफिक्स काफी क्वालिटी काफी अच्छी है। आपको जो प्लेयर्स मिलेंगे वो रियलिस्टिक लगेंगे, और जो इसमें वाइड रेंज है शॉट्स की वो काफी अच्छी है। काफी ज्यादा इसमें शॉट्स हैं, बट आपको स्टार्टिंग में खेलने में काफी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिसको आपको गेम में ढलने के लिए। उसके बाद ये आपको काफी मजा आने लगेगा। और तीसरे नंबर पे है काफी छोटा और काफी बेहतरीन, जो मैं काफी दिनों से खेल रहा हूँ, लगभग 3-3 साल से खेल रहा हूँ, ड्रीम लीग सॉकर। जो उसका मैंने खेला था 2015, फिर 2016 में उसका अपडेट आया, अब मैं 2017 खेल रहा हूँ। उसके 3 साल से मैं खेल रहा हूँ, 3 पार्ट है, 2015, 2016, 2017, तो अपडेट करते गया है और वो काफी अच्छे सुधार किए हैं और काफी अच्छी गेम है। फोर्थ नंबर पे मैं कहूंगा फीफा 16, जिसकी ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी है और वो बेस्ट गेम है। बट अगर मैं ड्रीम लीग सॉकर से कंपेयर करता हूँ तो उससे तो फीफा 16 काफी अच्छा है। बट अगर आपको 200-250 MB में फुटबॉल गेम चाहिए और एकदम बेस्ट चाहिए तो ड्रीम लीग सॉकर से बेस्ट कोई नहीं है 200-250 MB में। लेकिन अगर आप हैवी, अगर आप चाहते हैं कि रियलिस्टिक थोड़ा लगे, काफी अच्छा लगे और कमेंट्री वगैरह आपको एकदम रियल लगे, तो आप फीफा 16 खेलिए, उससे बेस्ट नहीं है फुटबॉल गेम। और फिफ्थ नंबर पे मेरे हिसाब से आता है NFS मोस्ट वांटेड।
जो काफी बेहतरीन, उसकी ग्राफिक्स क्वालिटी मुझे काफी अच्छी लगती है, वो काफी अच्छी गेम है। और मतलब अगर मैं बात करूं एसफॉल्ट से, तो पर्सनली मुझे एसफॉल्ट से अच्छा लगता है वो ग्राफिक्स के मामले में, बट ओवरऑल वो सही है, वो भी अच्छी गेम है। और और जो 6th नंबर पे आता है वो एसफॉल्ट एक्सट्रीम, जिसकी जो एयरबॉर्न तो अच्छी थी ही, बट उसके अगले अपडेट लाए उन्होंने जो नेट के थ्रू चलता है। आपको वैसे नहीं चलने, ऑफलाइन गेम नहीं है ये, ऑनलाइन गेम है, आपको नेट के थ्रू चलने पड़ेंगे। इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है। और बैटमैन डार्क नाइट राइजेस, ठीक है, डार्क नाइट राइजेस मैं कहूंगा, क्योंकि इसकी जो आप पीसी में जैसे खेले हैं आपको वो एग्जैक्टली आपको मोबाइल में मिलता है, सारे फीचर, सारी क्वालिटी, ठीक है, वो आप सारी चीजें कर पाएंगे जो आप पीसी में करते थे। There's a storm coming. Rumors were true. Gotham's most wanted has risen from the shadows. और 8th पे है एसफॉल्ट 8 एयरबॉर्न, ठीक है, इस बारे में सारे लोग जानते हैं, अच्छी गेम है, काफी अच्छी गेम है। Is it the speed? The exhilaration of pure velocity? Is it the drifts? The smooth control of pushing it to the limit? Nah, it's gotta be going airborne. Those moments where you tell gravity itself, you can't hold me back. ठीक है, 9th है गैंगस्टर वेगास, ये ओपन वर्ल्ड गेम है, काफी बेहतरीन गेम है, आप खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये जीटीए सैन एंड्रियास वगैरह है, थोड़ी ग्राफिक्स क्वालिटी थोड़ी सी मुझे अच्छी लगती है सैन एंड्रियास से, गैंगस्टर वेगास की, तो ये काफी अच्छी ओपन वर्ल्ड है, स्टोरी भी काफी अच्छी है।
टेंथ पे आता है GTA San Andreas, ये तो सारे लोग खेले होंगे, कौन नहीं जानता होगा GTA San Andreas पार्ट को, काफी बेहतरीन है, ओपन वर्ल्ड ये भी ये गेम है, काफी अच्छी गेम है ये। Ah shit, here we go again. Hello Carl, been a long time, huh? Hey CJ, what's up? We keep telling you all, keep telling you all. Rule of the street, don't sneak. Don't touch that radio. Don't touch that radio. Just some real fly girls, yeah. You know what I'm saying? Ren, you give off a positive energy. The important thing to remember is that nothing can go wrong. Wall Street is king! Wall Street is king! और 11th पे आता है नोवा 2, इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी है, काफी बेहतरीन गेम है, सिंगल पर्सन शूटिंग है, आप खेलेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी कितनी अच्छी है। मॉडर्न कॉम्बैट 5, जो सभी लोग ये भी जानते होंगे, अगर आप रिव्यू वगैरह देखते होंगे तो आप जरूर देखते होंगे रिव्यूअर ये गेम्स खास करके करते हैं, ये एस्पॉल्टेट San Andreas खास करके, इसकी ग्राफिक्स क्वालिटी काफी अच्छी है, भी एक ऑनलाइन गेम है बट नोवा 2 ऑनलाइन गेम नहीं है, ठीक है। Thought all along it was me who was crazy. But it's everything. This whole thing is nuts. They've played us like fools, Rue. But if they think they're gonna get away with this, they must be crazier than I am. और मेरा लास्ट आता है 13, वो है मेरा पर्सनली गेमीलॉफ्ट का स्प्लिंटर सेल, आप मोबाइल में खेलेंगे, मोबाइल में काफी अच्छी गेम है, वो 250 MB की गेम है बट ये काफी अच्छी है, बहुत बेहतरीन है ये भी। आप जैसे स्प्लिंटर सेल अगर आप खेलेंगे, अगर आप पीसी में खेलोगे तो आपको समझ में आएगा कि मोबाइल में कितने अच्छे कॉम्पैक्ट तरीके से और कितने बेहतरीन तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है। No!
अच्छे गेम्स की लिस्ट मैंने आपको बताई, जो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी।